हालेलुया, यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम है पास शौकत फजल की तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आप देख रहे हैं विनिंग सोल प्रोग्राम और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हर रोज़ विनिंग सोल के अंदर नए गेस्ट होते हैं हमारे साथ और कलाम मुकद्दस के अंदर से आप बातों को सीखते हैं, सुनते हैं और बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त मेरे साथ खुदा के खादम पास मुनव्वर फजल साहब हैं। वेलकम भाई साहब, आपको खुश आमदीद वेलकम करते हैं। और इसी तरह पास यूनस इंद्रियास साहब हैं, हम आपको भी खुश आमदीद वेलकम करते हैं। इनके साथ ही पास अजमत साहब हैं, जिनके आप बहुत दफा गीत भी सुन चुके हैं आइजक टीवी के ऊपर। आज आप इनको लाइव विनिंग सोल प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं, हम आपको भी खुश आमदीद वेलकम करते हैं। इनके साथ ही बहन सोबिया नुमान, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा गाती हैं, इनको भी आप सुन चुके हैं आइजक टीवी के ऊपर गीत भी और विनिंग सोल प्रोग्राम के अंदर भी देख चुके हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पास इलियास साहब आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। पास यूसुफ गुलाम साहब आपको भी खुश आमदीद वेलकम कहते हैं। इससे पेश सर, क्या हम कोई बातचीत करें? आज हम बातचीत करेंगे कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ज़मीन पर रहते हुए मैं और आप, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लिए माल जो है वो ज़मीन पर जमा करें। मुझे और आपको अपना ख़जाना जो है वो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बनाने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करें, खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाए, तो आप देना जो है वो सीखना शुरू कीजिए। जब मैं और आप देते हैं तो खुदा हमें बरकतों से मामूर करता है। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। बहन सोबिया के साथ मिलकर हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जीसस, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाप, हम तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की स्ताइश करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। आसमानी बाप और जितने यहाँ पे खादिम मौजूद है, आसमानी बाप तू एक एक को बड़ी बरकत देने वाला बाप है। आसमानी बाप आज के टॉपिक के लिए दिया करो ताकि तुम्हें दिया जाएगा। यकीनन आसमानी बाप हम सब तेरे देने वाले बन सके आसमानी बाप। और आज जितने लोग आइजक टीवी में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यकीनन जिन्होंने आज तक तुझे नहीं दिया आसमानी बाप, उनके तू ज़हनों सोचों को तब्दील करने वाला बाप है कि वो तेरे देने वाले बन सके आसमानी बाप। क्योंकि जो तुझे अताश देता है आसमानी बाप, तू उनकी झोलियों को भरने वाला भरता है आसमानी बाप। मेरा ईमान है आसमानी बाप, तू हमारे दिलों को खोलने वाला बाप है कि हम सब तेरे देने वाले बन सके आसमानी बाप। और जितने खादिम यहाँ पे मौजूद है आसमानी बाप, मैं एक एक के लिए बरकतों से फराजी की दुआ करती हूँ आसमानी बाप। और यकीनन जब ये कलाम लोग सुने आसमानी बाप, तो उनके दिल और दिमाग को बदलने वाला बाप है, उनकी सोचों को तब्दील करने वाला बाप है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पास मनोवर साहब, हम बातचीत आज करेंगे देने पर जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि लोग ज़मीन पर अपने लिए बहुत माल जमा करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे लिए, बच्चों के लिए, आगे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देना पसंद नहीं करते। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल में से एक हवाला पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील और उसका 6:19-20 और 21 आयत। जो भी आइजक टीवी देख रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं बाइबल में से, मत्ती की अंजील 6:19-20 और 21 आयत है। कलाम में लिखा है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र। हम देखते हैं कि ये बातें यीशु मसीह ने मत्ती अंजील की मार्फत जो फरमाई है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। आज हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मेहनत करते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत सा माल जमा करते हैं कि हमारी नस्लें जो हैं वो इस माल को खाएं और अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये होना सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले लिखा है कि मेरी बादशाही की तलाश करो तो ये दुनिया की सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग, मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर भी,
दूसरे मुल्कों के अंदर भी जाते हैं और वो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो कलाम में लिखा है कि मैं जानता हूँ कि तुम इन चीज़ों के मताज हो, यानी कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन जब हम यस्सू को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखेंगे, अव्वल दर्जा यस्सू को देंगे, तो फिर ये चीज़ कुछ ये सारी चीज़ें फिर हमारी मताज बन जाएंगे, ये खुद आपके पीछे पीछे आएंगे। तो इस तरह से जब आप खुदा को देंगे, तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी पादरियों को इतना पैसा कहाँ से आ गया, या फलाम भाई के पास इतनी बरकत कहाँ से आ गई। तो मैं देखता हूँ कि वो लोग गवाही देते हैं, पिछले दिनों में एक बंदा ने गवाही दी कि मेरे पास घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैंने 40,000 रुपया स्टेज पर गवाही दी थी उन्होंने बुध मीटिंग के अंदर कि 40,000 दिया तो खुदा ने मुझे 40 लाख का घर दिया और खुदा ने बड़ा अच्छा बिजनेस भी दिया। तो जब हम खुदा के साथ पार्टनरशिप करते हैं, खुदा उनको देते हैं, तो खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर हमें बरकत देता है। तो जब हम ज़मीन पर जमा करते रहते हैं, तो कलाम में लिखा है कि यहाँ पर कीड़ा भी लगता है, जंग भी लगता है, चोर भी फिर चराते हैं, लेकिन जब हम यस्सु को देते हैं, यस्सु के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो फिर ना तो हमारे माल को कीड़ा लगेगा, ना जंग लगेगा, और ना ही कभी भी चोर आपकी दौलत को, आपके माल को चराने पाएगा। तो मेरे चीज़ों में ज़रूरत है कि हम जो अपना रुपया पैसा है उसमें जो जो खुदा का हिस्सा है, कलाम में लिखा है ना कि तुम मुझे ठगते हो, ठगने का मतलब है चोर किसी चीज़ का बन जाना। तो जब हम खुदा के चोर बन जाते हैं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। खुदा उन खुद कहता है कि मुझे देकर आजमा कर देखो कि मैं किस तरह आसमान के, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लड गेट्स, कि आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत दूंगा। तो जब हम खुदा को दया यकी देते हैं, अपने हदीये देते हैं, खुदा को अपना माल आसमान पर जमा करते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए फ्लड गेट खोल देता है, फिर हमें बरकत देता है। हम देखते हैं कि यीशु ने कहा था अपने शिगिर्दों से कि सारी दुनिया के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। तो आप भी हमारे साथ खुदा की मुनादी कर सकते हैं अंजील की। किस तरह से? आप अपनी दया यकी देकर, आप अपने हदीये जब खादमों को देते हैं, खादम जब वही जिस तरह आइजक टीवी अपनी पे जो है वो सैटेलाइट की फीस पे करता है, तो हम देखते हैं इसी तरह जो बाकी खादम दूसरे शहरों के अंदर जाकर खिदमत करते हैं आपकी दया यकी हदीये के वसीला से, तो आप समझें कि वो पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। जब आपका पैसा रुपया, आप खुद तो नहीं जा सकते, लेकिन आपके रुपये पैसे के वसीला से भी फिर खुदा का काम पूरी दुनिया के अंदर जलाल पाता है। और जितनी बरकत फिर रूहें बचने के वसीला से खादमों को मिल रही हैं, आप भी फिर उस खिदमत के अंदर शरीक होते हैं, फिर आपका जो दिया हुआ रुपया पैसा है, जो माल है रूहें बचाने के लिए, फिर आपके लिए भी वो माल आसमान पर जमा होता है। तो मेरे जो हम देखते हैं कि क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि एक खुदा का खादम था और उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने छोटा सा बिजनेस शुरू किया और अपनी दया यकी जो है वो खुदा उनके घर में एक खादम को देना शुरू की चर्च के अंदर। और जब वो दया यकी देता था तो क्या हुआ कि वो कुछ सालों तक दया यकी देता रहा और इतना पैसा उसके पास आ गया कि बहुत सारे बैंक उसके पैसों से भर गए, क्योंकि उसने खुदा के साथ पार्टनरशिप की और यहाँ तक कि 10वें हिस्से से भी ज़्यादा वो खुदा को देता था। तो खुदा ने उसे इतनी बरकत दी कि एक दिन वो चर्च के अंदर गया और खादम से जाकर कहने लगा कि अब मेरे पास इतना पैसा हो गया है कि आप सब दुआ करें कि खुदा मेरी बरकत आप किसी और को ट्रांसफ़र करें ताकि किसी और को भी बरकत मिले, उसका भी बिजनेस चले। तो खुदा के खादम ने कहा कि मैं ऐसी दुआ नहीं कर सकता, मैं खुदा के सामने रखूँगा जो खुदा उन मुझे जवाब देगा। तो क्या हुआ कि उसने वो चला गया। जब खुदा के खादम ने खुदा के सामने ये बात रखी कि ये शख्स कहता है कि आप मेरी बरकत को बंद कर और किसी और को ये मेरी बरकत दें, तो जब वो चला गया बंदा, तो जब अगले संडे आया तो उसने खादम से कहा कि खुदावन ने मेरे बारे में क्या जवाब दिया है। तो खुदा के खादम ने कहा कि खुदावन ने कहा है कि तू दया यकी अपना हदिया देना बंद कर दे तो मैं तेरी बरकत को बंद कर दूंगा।
तो उस बंदे ने कहा कि मैं दया की और हदिया बांध नहीं कर सकता, तो खुदा के खादम ने कहा कि मैं तेरी बरकत को भी बांध नहीं कर सकता। तो आज मेरे अजीजों जो खुदा को देते हैं खुदा उनकी बरकतों को कभी भी बांध नहीं करता, बल्कि आसमान के दरवाजों को खोल कर बरकत देता है। तो मेरे अजीजों आज हमें ज़रूरत है कि हम अपना माल ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जमा करें। जी पासी यूनुस निराज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत बातें पास मतलब फजल साहब ने की हैं कि हमारी कलीसियों को क्या ज़रूरत है आज। बाज़ औक़ात जो हैं लोग समझते हैं कि पता नहीं हम दे रहे हैं, पता नहीं खुदा तक पहुंचता भी है कि नहीं। बिल्कुल। तो अमाल की किताब के 10वें बाब में बड़ा शानदार वाक़या कुर्नीलियस का, वहाँ लिखा हुआ है कि जब वो शख्स दुआ करता, रोज़े रखने वाला और बहुत खराज देने वाला था खुदा को, तो जब वो तीसरे पैर दुआ कर रहा था फरिश्ता आया आसमान से ये तस्दीक करने के लिए कि तेरी दुआ भी आसमान पर पहुंची और तेरी खराज भी आसमान तक पहुंची। तो जब लोग खुदा के नाम पर देते हैं खुदा के लिए तो वो आसमान पर पहुंचता है और बाकायदा इसकी तस्दीक की गई फरिश्ते ने आके खुदा की तरफ से कि कुर्नीलियस तेरी खराज भी पहुँची। तो जब हम खुदा को देते हैं तो खुदा तक पहुंचता है और फिर खुदा उसके इवज हमें जो है बरकत देता है। और इस शख्स को क्या बरकत मिली? फरिश्ते ने कहा कि किसी को भेज दे पतरस के पास, वो वहाँ पर ठहरा हुआ है, उसको बुला, वो आएगा और वो बातें जो करेगा वो फिर तुझे हमेशा की ज़िंदगी दे जाएगा। तो वो आया, फिर वो पहले इंतज़ार कर रहा था, कलाम लिखा है उसके आने पर कलाम हुआ, पाक रूह वहाँ नाजुल हुआ गैर कौमों पर और खुदा ने उनको भी कबूल किया और फिर बड़ी बरकत जारी हुई। मैं समझता हूँ कि आजकल कलीसिया के अंदर जो हमारे लोगों का हाल है ना, जैसे आपने बात की है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमने दिया ये खुदा तक पहुँचा भी या नहीं पहुँचा है। आज गुरबत की बड़ी वजह यही है कि लोग देना जानते नहीं हैं, वो चाहते नहीं कि खुदा हमें ब्लेस करे बरकत दे। और जब हम इस नज़रिए के साथ देते हैं कि हम तो पास यूनुस साहब को देंगे कि दे रहे हैं, फिर उसकी बरकत वो उन्हीं तक है। लेकिन जब ये नज़रिया होगा कि ये पैसा हम खुदा के लिए दे रहे हैं तो उसके अंदर फिर खुदा उसको बरकत देगा और खुदा देता है। बाइबल मुकदस का वादा था कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। अगर इजाज़त दें तो मैं हाल ही में मेरे चर्च में ये बात चली कि ये पारी साहब जो पैसा पता नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास 12 लोगों की टीम है जो जिनको पता है कहाँ जा रहा है सारा कुछ। लेकिन तो वो एक शख्स था तो उसने ना ये बात बना के तो अपनी 10वां हिस्सा देना बंद कर दिया। उसने कहा जी मैं तो नहीं दूंगा, तो ये तो पैसा पता नहीं किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। उसने अपनी तो मैंने हमने नहीं कोई मेरे रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, वैसे ही दुआ उनके घर में विज़िट वगैरह मैंने नहीं कोई बात की। लेकिन क्या हुआ, एक माह हुआ उसका पैसा चोरी हुआ, तब उसने बकायदा तोबा की और उसने कहा कि मैं जी गलती पा रहा हूँ, और उसने मेरे अलावा और भी पास्टर से बात की तो उन्होंने कहा तू गलत है, पास्टर कहाँ खर्च करता है, चर्च कहाँ पैसा खर्च करता है, ये उनकी है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें देना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसने जी 4 लाख रुपया चर्च को दिया और हम उसका अब काम करवा रहे हैं चर्च का। उसने कहा जी ये मेरी माफ़ी का अर्जाना है। आमीन। जी पास्टर अजमत साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पास्टर मैं कुछ कलीसियाओं के वीएन जो उनकी थॉट्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो जो रुपया पैसा है ये सारा जो भी किसी के पास है वो खुदा का है, खुदा का है, यहाँ कोई इंसान मालिक नहीं उसका, बिल्कुल परमानेंट मालिक ये मुख्तार हैं और मुख्तार को ये अथॉरिटी होती है कि वो यूज़ करे जहाँ भी। अगर खुदा ने इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट करना क्लियर करना चाहिए कि देने के हवाले से ओल्ड टेस्टामेंट में न्यू टेस्टामेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है और ख़ास दो चीज़ें, दो बेवा के बारे में जिक्र आया, एक ने जो अपनी दो दमड़ियाँ डाली उसका जिक्र आज तक है, खुदा ने उसे प्रमोट किया, उसे कहा कि इसने सब कुछ, और एक बेवा जिसने वो जिसकी कुप्पी में तेल और आटा कम था, यानी ये चीज़ें प्रमोट करती हैं कि खुदा उनको बहुत पसंद करता है। और तीसरी बात है कि हैकल के काम
کس طرح چلیں گے, اس کی ساری جتنی ضروریات ہیں. اور پھر اگر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ پاسٹر کھاتا ہے تو انہیں اجازت ہے کہ مزدور جہاں پہ مزدوری کرتا ہے اس نے وہاں سے کھانا ہے. سو دینا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے, اور ادروائز خدا نے کہا ہے کہ پھر میں آ کر مالک جو ہے وہ نوکر سے پوچھے گا کہ تمہیں یہ توڑے دیے گئے, یہ جو تمہیں دیا گیا اس میں تو نے کہ کہاں پر خیانت کی, اور لکھا ہے کہ میں ٹڈی کو بھی ڈانٹوں گا جو تیرا حاصل نہ کھائے. اور بہت سارے لوگ بڑے نقصان کراتے ہیں. میرے چرچ میں ایک فیکٹری کا مالک تھا, آج سے 10-15 سال اس کی دائیکی کوئی لاکھ تک بنتی تھی, وہ نہیں دیتا. میں نے اس سے کہا کہ یہ تو آپ اس طرح کر رہے ہیں, پھر کوئی اس کا مال بیرون ملک امپورٹ ایکسپورٹ میں کسی نے پیسہ ضبط کر لیا اور وہ انتہا کا غریب ہو گیا, اور پھر وہ اتنے سالوں تک مشکل میں رہا. ساری بات ہے جب ہم خدا کا پیسہ کھائیں گے تو yes, کہتے یہ تم مجھے ٹھگتے ہو. یس دہی حد نظام, اس میں کوئی شک نہیں. پاس یوسف صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ پاس صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں. خدا نے برکت دے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. آج بات ہو رہی ہے دینے کے تعلق سے. سو مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی سینئر پاسٹر نو فضل صاحب کے حوالہ سے. جب پاس صاحب نے اس خدمت کا آغاز کیا تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پاس صاحب نے کہا کہ مجھے روپیہ پیسہ نہیں, مجھے روحیں چاہیے. سو جو کچھ پاسٹر صاحب کے پاس تھا, عطا کہ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا, انہوں نے خدا کو دے دیا, اور اس کے عوض یقیناً خدا نے ان کے لیے اپنے آسمان کو کھولا, اپنے کلام کے اس وعدے کو پورا کیا کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. ایک آدمی میرے ساتھ بات کرنے لگا, مجھے کہنے لگا کہ پاسٹر صاحب کے پاس تو بہت کچھ ہے تو ہمیں دہ یقینی دینی چاہیے پاس صاحب کو. میں نے اسے کہا کہ برادر آپ کتنی دہ یقینی پاس صاحب کو دیتے ہیں؟ سو وہ کچھ نہیں دیتا تھا, عطا کہ اس کے حالات بہت اچھے تھے, ٹھیک آدمی تھا. اور ایک وقت اس پہ آ گیا کہ وہ گلیوں میں جھاڑو پھیرنا اس نے شروع کر دیا. کیوں؟ کہ اس نے خدا کے خادم کے خلاف بولا کہ پاس صاحب کے پاس بہت کچھ, ہمیں اس کو نہیں دینا چاہیے. جیسا کہ پاس اندریاس یونس صاحب نے بات کی کہ پیسہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں, پیسے ان کو تو دینا نہیں چاہیے. یعنی کہ یہ لوگوں کی نیچر ہے. نیچر ہے. میں نے اسے کہا برادر یاد رکھیں, پاس صاحب نے کلام کے اس بات کو پورا کیا جو کلام میں لکھا ہے. بالکل. کہ جب تک میرا نام دنیا کے کونے کونے میں نہیں جاتا میرا آنا ناممکن ہے. میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایز ایک ٹی وی پر کتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ لاکھوں روپیہ ایز ایک ٹی وی پہ خرچ ہوتا ہے. اور ایز ایک ٹی وی ایسی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پر لوگ خادمین نہیں جا رہے, اور ایسے ایسے ممنون علاقے ہیں جہاں پر خادم نہیں جا رہے, لیکن وہاں پر خداوند کے بندے کا وہ وین جو اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا ایز ایک ٹی وی کے وسیلہ سے وہ دنیا کے کونے کونے میں جا رہا ہے. لیکن آج میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو ایز ایک ٹی وی کو اپنا ہدیہ دیتے ہیں, اس کلام کے وعدے کو پورا کرتے ہیں, دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ لوگ جو ایز ایک ٹی وی کو اس میں شیئرنگ کر رہے ہیں, خدا ان کے لیے اپنے آسمان کو کھول رہا ہے اور اپنی برکتیں کثرت کے ساتھ. کوئی شک نہیں, بالکل. پاس یوسف صاحب جی, لیاس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پاس صاحب, میں ایک ورس پڑھوں گا, ملاکی کی کتاب اس کا 3rd باب. جی ملاکی 3 باب اور 8th آیت میں سے میں پڑھوں گا. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یقی اور ہدیہ میں. پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے, بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا.
پوری دائق کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم کو تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے گی اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور تمہارے زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا جڑ جائے گا رب الفاظ فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا ممکلت ہو گئے اور رب الفاظ فرماتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے تو خدا کو دینے کا یہ فارمولا سمجھ لیا اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو خدا اسرائیل سے یہ کلام کر رہا تھا کہ تم نے مجھے ٹھگا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسرائیل قوم اس فارمولے کو جان گئی تو انہوں نے خدا کو جب دینا شروع کر دیا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ملک کس طرح دنیا پر سبقت لے گیا آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے انویسٹر اسرائیل کے ہیں آج بہت سی اسرائیل کی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں جس میں لگ صابن ٹریٹ بلیڈ کوکنگ آئل اور بہت سی ایشیا ہیں اور آج جب ان کا کمپیوٹر کے حوالے سے بہت سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور اگر ہم کیلکولیٹر کو دیکھیں تو وہاں پر آٹھ کا جو عدد ہے وہ ریموو نہیں ہوتا وہ اس لیے ریموو نہیں ہوتا کیونکہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نو نعمتوں میں سے یہ آٹھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کو خدا نے کس قدر برکت دی ہے کیوں دی ہے کیونکہ وہ خدا کے اس فارمولے کو جان گیا اور میں ایک گواہی بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ بھائی میں فیری کا کام مثلا فروٹ بیچتا ہوں سائیکل پہ لیکن ہم میرا کام جو بزنس ہے اتنا نہیں چل رہا لیکن میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ دہ یقینی دیتے ہو کہنے لگا نہیں میں تو بھاجی نہیں دیندا تو میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو اس سے 200 یا 300 نفع ہوتا ہے تو اس میں سے آپ نے دہ یقینی نکالنی ہے مثلا 100 روپے اگر آپ کو نفع ہوتا ہے تو آپ نے 10 روپے سائڈ پہ رکھ لینے ہیں اور کہنا ہے کہ یہ خداوند تیرا ہے اور یہ میرا ہے تو میرے عزیزو وہ جب بس اب وہ شخص دوبارہ کچھ دنوں کے بعد ملنا تو مجھے کہنے لگا کہ میرا بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے اور اب وہی شخص کی 2 سے 3 شاپ ہیں اس نے اب دکانیں لے لی ہیں اور وہ فروٹ کا بڑا اچھا اس کا بزنس چل رہا ہے کیونکہ وہ اس فارمولے کو جان گیا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا کی ضرورت ہے اس فارمولے کو لینے کی ضرورت ہے اور یقینا جو دہی کی دیتے ہیں حد نظانے دیتے ہیں خدا ان کو بلیس کرتا ہے برکت دیتا ہے بہن سوبھی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی شوکت بھائی بات یہ ہے کہ جیسے کلام میں اگر ہم روپے پیسے کے ساتھ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ تم یتیموں کی محتاجوں کی اور بیواؤں کی مدد کریں تو ہمیں اس کے ساتھ چاہیے کہ جو محتاج ہو بیوہ ہوں جو ہمیں ان کی بھی مدد کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہدیے دیتے ہیں تو جیسے بات کی کہ خادم جو ہے وہ جی کھا رہے ہیں وہ روپے پیسہ رکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پہ یہ یوز کریں اپنے پہ یوز کریں چلیں اگر آپ نہیں فار ایگزامپل پاسٹر پہ ٹرسٹ کرتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایسی فیملی خاندان آپ دیکھ لیں جن کو آپ کو لگے کہ وہ مجبور ہے آپ کو چاہیے آپ کی ان کے مدد کرنی چاہیے آپ اپنے خزانوں میں سے ان کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں ان کو دینے والے بن سکے کہ خداوند بھی اس کا اجر دینے والے بنے کوئی شک نہیں لیکن میں یہاں پر واضح کر دوں کہ جو دہی کی ہے وہ چرچ کی ہے وہ دہی کی آپ کسی بیوہ کو نہیں دے سکتے کسی یتیم کو نہیں دے سکتے کسی کی آپ مدد نہیں کر سکتے بائبل کہتی ہے کہ اپنی پوری دہی کی میرے ذخیرہ خانہ کے اندر لو اور اسی سے میرا امتحان کرو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ یتیموں کو دے دیتے ہیں بیواؤں کے لیے مدد کر دیتے ہیں لیکن دہی کی جو ہے وہ صرف اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چرچ کے ساتھ جو لوگ چرچ کے لیے دیتے ہیں بہت لوگ چرچ کے لیے لوگ ہمارے پاس ہیلپ کے لیے آتے ہیں کہ جی آپ چرچ والے ہماری ہیلپ کریں تو ہم ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں جو بیوائیں ہوتی ہیں محتاج لوگ ہوتے ہیں آرفنز جو ہوتے ہیں جن کی ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو میرا یہی مطلب ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ آئیے کہ ہاں جی ہمیں اور دے گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف چرچ کے لیے دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ چرچ کے لیے تو لازمی دیں پر ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں جن کے پاس نہیں ہے ہمیں چاہیے آئی زی ٹی وی پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی دینے والے بن سکے کہ آپ کوئی ایسا خاندان کوئی فیملی کوئی بچے ان کی بھی سپورٹ کرنے والے بنے ساتھ ساتھ چرچ کو تو ہم اپنی دہی کی دیتے ہیں پر چاہیے کہ آپ ان کے لیے بھی دل کھولیں اپنے خزانوں میں سے ان کو بھی دیں زیادہ دینے والے بنے برکت دے یا ہم اور بھی باتیں کریں گے ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے پروگرام ہم ملتے ہیں بریک کے بعد